एक्शन। नमस्ते आप? नहीं नहीं आंटी, आप हम दोनों पहले मिले नहीं हैं। मैं एक्चुअली जयपुर की खूबसूरती मुझे यहाँ खींच लाई और मैं किराए पे कोई कमरा ढूंढ रहा था, तो सोचा आपसे पूछूं। मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ। ओह, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। कहाँ से हो तुम? जी मैं वैसे तो इंडिया से ही हूँ, लेकिन जयपुर में नया हूँ। अच्छा, फिर बैठो। प्लीज प्लीज बैठो ना। हाँ बोलो, कहाँ से हो तुम और यहाँ पे कैसे? आंटी वैसे तो मुंबई से मैं हूँ, लेकिन जयपुर एक स्टोरी के लिए आया हुआ था और किराए के लिए कमरा नहीं मिल रहा था, तो सोचा क्यों ना वॉक पे चलूँ। और जयपुर की ये खूबसूरती निहारते निहारते मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा तो आप गार्डनिंग कर रहे थे, सोचा आपसे मदद ले लूँ। कोई कमरा आसपास हो, आपके रिश्तेदार पड़ोसी आपके यहाँ? एक्चुअली कमरा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कमरा दिलवा सकती हूँ। कब तक के लिए चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ एक महीना बस। 25 दिन भी चलेगा मतलब? अच्छा, मैं बात करके बता दूँ। तुम पहले अपना नाम बताओ। और मेरा नाम कबीर है जी। कबीर, तुम हो कहाँ से? तुमने कहा मुंबई से। अच्छा, मैं काम के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था जयपुर। अच्छा। एक स्टोरी कवर कर रहा था, मैं रिपोर्टर हूँ ऐसे काम से। वाह ठीक है, तुम अपना नंबर छोड़ दो, मुझे दे दो और मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। जी जी आप नंबर लिख लीजिए। हाँ जी। वैसे आंटी कमरा आपके घर में या? अरे कहाँ, मेरी तो 3 बेटियाँ हैं, खाली कमरा कहाँ से होगा? होता भी तो वो लोग छोड़ते कमरा। नहीं नहीं मेरे यहाँ नहीं है, किसी और के यहाँ है, लेकिन पूछना पड़ेगा कमरा खाली है या नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जी कबीर कहाँ ना? जी जी कबीर। मैं तुम अपना नंबर दे दो पहले। हाँ बोलो। 9833006382। आंटी एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। आप सिर्फ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आप कितनी हेल्पिंग है नेचर की। अगर आपके घर के आसपास मिल जाए कमरा तो मतलब एक दो घर छोड़ के भी चलेगा, लेकिन थोड़ा आपसे मिलना जुलना हो जाएगा। जयपुर में आधे लोग मुझसे यही कहते हैं कि मुझसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, मेरी बेटियों से भी यही कहते हैं, लेकिन आसपास ही है, बस इसी गली में तुम नीचे चले जाओगे आखिरी घर में, तो ज्यादा दूर नहीं। मैं आपका ये एहसान आंटी कभी नहीं भूलूंगा, आप कितनी स्वीट है। आंटी मैं एक अनजान आदमी ऐसे घूम रहा हूँ और आपसे बात करना शुरू किया और आप मेरी हेल्प कर रही हैं, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? चिंता मत करो, तुम अगर अनजान हो तो जयपुर तुम्हें अनजान ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। ये बस इसी चीज के लिए मैं जयपुर आया हूँ आंटी। मुझे पता है मनाली और जयपुर दो शहरों में से एक शहर चुनने को दिया था, कहाँ की स्टोरी पहले कवर करी। मैंने कहा नहीं पहले मैं जयपुर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ के लोग उनमें वो प्यार, वो इतनी केयर, कभी वो सोचते ही नहीं कोई स्ट्रेंजर है कोई अनजान है। इतना थैंक यू सो मच आंटी, मुझे आप में अपनी माँ दिख रही है। मोस्ट वेलकम बेटा, मैं तुम्हें कल कॉल और आते रहना। आंटी आपसे मिलके आपको लगता है कोई नहीं आना चाहेगा? वेरी गुड। मैं रोज आ सकता हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हो रोज। हमारा ना कैफे है मेन रोड पे। अच्छा, शिमला कैफे। आंटी आपको पता है मैं राइटिंग पर्पस के लिए रोज एक कैफे एक ऑफिस शॉप जाके बैठता हूँ, क्यों ना मैं आपके कैफे आके बैठ जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए टेबल अलग से रख लेगी, तुम वहीं पे। आपकी बेटी कैफे में बैठती है? हाँ उसी का कैफे। तीनों तो नहीं, बड़ी वाली। उसी का कैफे। क्या नाम है आंटी उसका? आभा है नाम उसका। आभा, बहुत बहुत सुंदर नाम। आंटी मैंने आपका सॉरी नाम नहीं पूछा, आपका मेरा नाम जान के क्या करोगे बेटा, तुम मुझे आंटी ही बोलो। आंटी बस।